स्टेज पे हर पोस्ट पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है पी के लिए भी ग्राउंड ड्यूटीज फील्ड ड्यूटीज होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे बैठे सब काम कर लेंगे आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा आपको पेट्रोलिंग भी चेक करनी पड़ेगी तो आप खुद ये चाहते हैं कि मैं भी सब इंस्पेक्टर के साथ जा करके रेड में जाऊँ अच्छा फिर पकड़ूट को लेकर कितना खतरा है लास्ट एपिसोड में हमने सुरेश सर से पुलिस और पुलिस सर्विसेज में करियर को लेकर बहुत कुछ समझा था बहुत कुछ जाना था सो लेट्स कॉन्टिन्यू अवर डिस्कशन विद द डायनेमिक्सनैलिटी विद द अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर सुरेश कौशिक अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल की कि हमने रैंक की तो बात की कि जे सी पी से लेकर डी जी पी या कमिश्नर ऑफ पुलिस किस तरह से आ, ग्रोथ होती है अगर फाइनेंशियल की बात करें अगर सैलरी की बात करें इनकम की बात करें तो आ, एक सब इंस्पेक्टर का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे कैसे ग्रो करता है कितना स्टार्टिंग में होता है उसके बाद कैसे कैसे आगे ग्रो करता है कि पहले तो पुलिस में काफी जो है ना वेतन काफी कम होता था सैलरी बड़ी कम होती थी जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है यस यस इंप्रूव हुआ है बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है और हर स्टेज पे हर पोस्ट पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है आप चाहे कांस्टेबल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो भी आपको अच्छा पे एंड पर्स मिलता है और इसी तरह सब इंस्पेक्टर को है तो सब इंस्पेक्टर जो हमारा स्टार्ट होते हैं वो फोर्टी का बेसिक वो पे होता है 46, 46, जो है आपकी बेसिक पे है और इसके पे बढ़ती चली जाती है, जी, बेसिक पे का स्ट्रक्चर बढ़ेगा पे बैंड आपका फोर्टी सिक्स ही रहेगा फिर फोर्टी एट जो है जब आप ए सी पी एसोस्टियंट कमिश्नर पुलिस होते हैं तो फोर्टी एट का पे बैंड होता है और वो फिर लास्ट में फिफ्टी फोर चौवन सो का आपको पे बैंड मिलता है इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं फिर पे बैंड है छियासठ सौ का है छिहत्तर सौ का है वो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर तो ग्रोथ सैलरी की बात करें सब इंस्पेक्टर की आज की डेट में कोई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करता है तो ऑलमोस्ट ग्रोथ सैलरी ग्रोथ सैलरी अबाउट सेवेंटी थाउजेंड सत्तर हजार के आसपास आपको आपको वेतन मिलता है जी और और वो रैंक 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 यस 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 लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ सर्विसेज सर्विसेज आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है yes. राइट सर और बात करते हैं ड्यूटीज uh, की ड्यूटीज को लेकर जनरली एक आम आदमी में या मैं भी हूं तो एक ये रहता है कि पुलिस सर्विस एंड ग्राउंड ड्यूटी बहुत चैलेंजिंग शेड्यूल है

और लैंड ऑर्डर पे भी तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे बैठे सब काम कर लेंगे आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा आपको पेट्रोलिंग भी चेक करनी पड़ेगी जो अदर स्टाफ है लोअर स्टाफ है उनके काम को भी चेक करना है एसीपी रैंक में फील्ड में उतरना पड़ता है मुझे कोई ऑफिशियल जॉब नहीं है ये कि आप ऑफिस में बैठ के ये सब मैनेज कर लेंगे हाँ कुछ अलग अलग है जैसे आप ट्रैफिक में है ट्रैफिक का ए सी पी है वो ट्रैफिक को देखेंगे उनके एरिया अंडर जो भी ट्रैफिक के टी आई जाते हैं उनके काम को सुपरवाइज करना है उस एरिया के ट्रैफिक को मैनेज करना है तो अलग अलग जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग एज ए सी पी है तो वहाँ की आपकी जो ड्यूटीज का पैटर्न वो भी अलग ही है जी जी तो एसीपी का जो मेन काम है वो अपने अपने सबोर्डिनेट्स को अपने अपने जो पुलिस स्टेशंस है उनको सुपरवाइज करना है यस पेट्रोलिंग वगैरह यस उनको सुपरवाइज करना है और उनको गाइड भी करना है उनको गाइड करना है। उनको गाइड करना एसएचओ अगर कोई कहीं लैक कर रहे हैं किसी काम में तो उनको पुल अप भी करना है पुल अप भी करना है यस राइट राइट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मर्डर्स के साथ रोबर्स के साथ

ऐसा इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती रहती है ओके। आप पकड़ के कोई, में होना पड़ेगा। करना है, कोई और केस वर्कआउट करना है इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट रहती रहती, रहती, है। रहती रहती है और रहनी भी चाहिए रहनी भी चाहिए बिल्कुल तो सर अगर बात करें थ्रेट की आप लोग हमेशा इस तरह के माहौल में रहते हैं कि कुछ नॉन सोशल एलिमेंट हैं जो मार्केट में सोसाइटी में उन लोगों को आपने हैंडल करना है या कुछ पुलिस ऑफिसर्स कुछ नॉन सोशल एलिमेंट्स के टारगेट पे भी रहते होंगे तो जान का खतरा तो हमेशा रहता है तो आपको क्या लगता है कि इस सर्विसेज में अपनी जान को लेकर थ्रेट्स को लेकर लाइफ लाइफ थ्रेट्स को लेकर कितना खतरा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये भाई इतना ज्यादा खतरा है आपको कुछ ब्रांचेज है हमारी जैसे स्पेशल सेल वगैरह है जो टेररिस्ट डील करते है, कुछ एस, हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जिनसे ज्यादा थ्रेट रहती है वहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है security वो मिलती आप ले है। सकते हैं अगर आपको लगता है आपने कोई ऐसा हार्ड एंड क्रिमिनल बंद किया है जिसे आपको कल को लगता है मुझे कोई खतरा कहीं पे हो सकता है तो आपको जो डिपार्टमेंट से आपको वो मिल जाएगा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी मिलेगी सिक्योरिटी मिलेगी अदरवाइज ऐसा फील्ड में जो काम कर रहे हैं तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है सिविल में अगर काम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा भी नहीं, नहीं, नहीं होता है, नहीं खतरा भी नहीं होता है और तो ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पुलिस के हाथ उठाए या उठा, इस, इस तरह नो, नो, की हिम्मत नहीं तो सर अगर एक मार्टेर की बात करें शहीद की बात करें पुलिस सर्विस में कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोविजन है उनकी उनके लिए उनकी फैमिली के लिए देखिए अलग अलग स्कीम है मार्टे शहीद के लिए हैं उनको जो है एक, एक, एक मोस्त राशि भी दी जाती है Okay. पैसा दिया जाता है कंपनसेशन जो कंपनसेशन के, के या उनको ग्राउंड पे उनके किसी परिवार के आदमी को उनकी वाइफ को कोई बच्चा अगर है भर्ती होने लायक तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है तो इंसेंटिव है उनके लिए भी Incentive ऐसा है। नहीं है कि इंसेंटिव नहीं है हाँ उनको ये चीजें दी जाती है अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग रैंक के हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से है किसी का बच्चा कॉन्स्टेबल भर्ती कर जाता है किसी की वाइफ हो जाती है या कोई मिनिस्ट्री का काम करना चाहे तो उसमें भर्ती कर लेते हैं मतलब उसको कहीं ना कहीं जो एकोमोडेट किया जाता है यस राइट सर तो अगर बात करें सर पुलिस ऑफिसर्स की ऑनर की आपने कहा था कि वर्दी होती है वर्दी को देखकर सामने इन्फ्लुएंस आता है हर कोई एक बार वर्दी को देखकर सहम भी जाता है या फिर अलर्ट हो जाता है कि सामने से एक पुलिस ऑफिसर आ रहा है आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा तो फील होता होगा कि जब हम कहीं से निकलते हैं यूनिफॉर्म में तो सामने वाला थोड़ा इज्जत से बात करता है ऑनर से बात करता है एक रिस्पेक्टफुल जॉब है तो इस रिस्पेक्ट के साथ साथ और किस तरह के पर्क्स और किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं पुलिस फोर्स में देखिए वर्दी के साथ साथ आपको पावर तो मिलती है जी पावर इन द सेंस ये नहीं कि आप जो है पहलवान हो जाते हैं जी वो पावर नहीं है आपके पास कानून की पावर है कानून की पावर है आपको आपने वर्दी पहनी है तो आपको साथ साथ में कानून की सारी धाराओं के तहत आपको अलग अलग जो है आपको पावर्स मिलती हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को केस बन, बनाने में तो गर्व तो महसूस होता है जी। और जहां तक रही आपने कहा कि अदर पक्ष वगैरह वो चीजें ऐसा नहीं है वो बा, बाहर जो है जनरल पब्लिक में एक परसेप्शन रहता है अरे पुलिस वाला है पता नहीं किस तरह के पर्क होंगे ऐसा कुछ नहीं ऐसा है इट डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ये मेल प्रैक्टिस जो है इतना नहीं है जो लोग जनरल पब्लिक में ऐसा कुछ सोचते हैं वो नहीं है आजकल गवर्नमेंट अच्छी भली तनख्वाह दे रही है और जो जो हमारे लड़के भर्ती हो रहे हैं वो ग्रेजुएट और बड़े क्वालिफाइड आ रहे हैं जी। वो पहले वाला जमाना चला गया के जो पुलिस को ठुल्ला बोलते थे हाँ हा। वो नहीं है अब वो चीजें नहीं रही नहीं, नहीं, नहीं है बिल्कुल नहीं है मैं भी देख रहा था नीचे आपके साथ एक इंस्पेक्टर रैंक के बैठे यस क्वाइट फिट एंड यंग हमारा जो भी नया जो नया स्टाफ कॉन्स्टेबल लेवल पे या एस लेवल पे जो वो जो भी हमारी जेंट्री आ रही है वो अच्छी क्वालिफाइड जेंट्री है Right. वो इन छोटी छोटी बातों में टूची बात हरकतों में नहीं आता नहीं है दे आर क्वालिफाइड लेट्स टेक अ पोज हियर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुरेश सर से जाननी हैं सो वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स सो डोंट गो एनी स्टे ट्यून विद करियर जानो